छत्तीसगढ़ में महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप पर बड़ी कार्रवाई हुई है। 30 जगहों पर एसीबी और ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। रायपुर, दुर्ग, कांकेर समेत कई और जगहों पर छापे पड़े हैं। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीम कार्रवाई कर रही है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम लगातार कार्रवाई, छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। और आप देख सकते हैं चंद्रभूषण वर्मा के भाई के यहाँ पर अभी 7 से 8 जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर एसीबी ईओडब्ल्यू के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर गए हैं और छापेमारी की कार्रवाई है वो कर रहे हैं। इस हम एक और तस्वीर दिखाएंगे, संतोषी नगर की तस्वीर है और यहाँ पर छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है। इसके अलावा जानकारी ये भी है कि एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने अलग अलग 30 ठिकानों पर दबिश दी है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के बड़ा एक फर्जीवाड़ा का खेल वो खेला गया था और उस पर अब अधिकारियों के साथ साथ कुछ जो पुलिस के भी अधिकारी हैं, चंद्रभूषण वर्मा है, वो अभी जो एसीबी ईओडब्ल्यू उनसे पूछताछ कर रही है, कस्टडी में है, उसकी जो रिमांड की अवधि है आज वो भी खत्म हो रही है। और आप देख सकते हैं कि ये जो घर है वो चंद्रभूषण वर्मा का है और यहाँ पर भी जो छापेमारी की कार्रवाई है वो की जा रही है। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के जो अरबों रुपए का ट्रांजैक्शन है उसका खुलासा हुआ है। कुछ दिन पहले ही पुणे में रायपुर के पुलिस ने दबिश दी है। देखिए पूरा एसीबी ओडब्ल्यू के जो पुलिस हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर अंदर बैठे हैं और पूछताछ है वो की जा रही है। देखना होगा कि छापेमारी की कार्रवाई कब तक खत्म होती है और इसमें किस तरह के खुलासे होते हैं। ये बात तो तय है, जैसे ही छापेमारी की कार्रवाई खत्म होगी, बहुत सारे इनपुट्स हैं वो अभी फिलहाल मिल रहे हैं एक एक करके। महादेव सट्टा ऐप को लेकर के कई जो आरोपी हैं जेल में बंद हैं, कईयों से भी पूछताछ की जा रही है, तो ये तय है कि आने वाले समय में और भी गिरफ्तारियां होंगी। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। वहीं कांकेर में भी एसीबी और ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है। महादेव ऐप से जुड़े मामले में छापेमारी की कार्रवाई की गई है। चारमा गांव में भी छापा पड़ा है। हवलदार विजय पांडे के घर पर यह छापा मारा गया है। पांडे जो कांकेर पुलिस में पदस्थ हैं, उनके रेड हुआ है एसीबी ईओडब्ल्यू छत्तीसगढ़ द्वारा। इस संबंध में पूरी कार्रवाई चूंकि ईओडब्ल्यू द्वारा की गई है, विस्तृत जानकारी उन्हीं से मिल पाएगी। अब ये कार्रवाई किस संबंध में किया स्पष्ट रूप से हमारे पास जानकारी नहीं है, लेकिन महादेव ऐप से रिलेटेड है करके खबर है, लेकिन हम पुष्टि नहीं कर पाएंगे। वही बलौदाबाजार में ईओडब्ल्यू का छापा पड़ा है, जहां ईओडब्ल्यू की टीम सुहेला पहुंची है। सुहेला से जुड़े महादेव ऑनलाइन सट्टा के तार, टीम में 6 लोग शामिल हैं। 10 से 12 लोगों की टीम यहां पहुंच रही है और एएसआई चंद्रभूषण वर्मा का पैतृक गांव है सुहेला। अभी तक एएसआई चंद्रभूषण वर्मा जेल में ही बंद है। अंबिकापुर में चेन स्नैचिंग की वारदात। नकाबपोश युवक ने बुजुर्ग महिला के गले से चेन छीन ली। गले से सोने की चेन छीनकर आरोपी फरार हो गया। घर के बाहर वॉकर के सहारे बुजुर्ग महिला टहल रही थी, आप तस्वीरों में देख सकते हैं। वहां लगे कैमरे में घटना रिकॉर्ड भी हो गई है। आरोपी आता है और बुजुर्ग महिला से, देखिए ये महिला वॉकर के सहारे टहल रही है अपने घर के बाहर ही। आरोपी जो स्कूटी में है, महिला के चेन छीनता है, गिरा देता है और वहां से भाग जाता है। और अब खबर जबलपुर से। चुनाव ड्यूटी से लौट रहे एएसआई को ब्रेन हैमरेज हो गया। एएसआई की हालत नाजुक बताई जा रही है। मेट्रो अस्पताल में एएसआई को एडमिट कराया गया है। चुनाव ड्यूटी पर अशोकनगर गए थे मुरारी दुबे, लौटते समय चक्कर आने के चलते हुए थे बेहोश। मणोताल थाने में पदस्थ हैं एएसआई मुरारी दुबे। जबलपुर में ड्यूटी से लौट रहे थे एएसआई, जिन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया। एएसआई को मेट्रो अस्पताल में एडमिट कराया गया, जहां फिलहाल उनकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। अपनी इलेक्शन ड्यूटी पर मुरारी दुबे अशोकनगर गए थे, लौटते वक्त चक्कर आने के चलते वो बेहोश हो गए।
अगली बड़ी खबर भोपाल से आपको बता रहे हैं, जहां रेलवे ट्रैक पर युवती का शव मिला है। चेतक अंडर ब्रिज के रेलवे ट्रैक पर यह शव मिला है। युवती की पहचान नहीं हो पाई। युवती के पास से मोबाइल फोन मिला है। पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद है। मोबाइल फोन तो मिला है लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। शिनाख्त की कोशिशें पुलिस की ओर से जारी है। सुकमा में इनामी नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर दिया। 8-8 लाख के 2 इनामी नक्सलियों ने सरेंडर किया है। 4 नक्सलियों पर 5-5 लाख का इनाम था। बटालियन में काम कर रहे पति पत्नी ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। सिवनी में पेच टाइगर रिजर्व के कोर एरिया में कई दिनों के बाद दुर्लभ काला तेंदुआ नजर आया। पेच में ये काला तेंदुआ बघीरा नाम से भी जाना जाता है। टूरिया गेट से जाने वाले टूरिस्टों को ये तेंदुआ नजर आया। तेंदुए को देखकर टूरिस्ट काफी रोमांचित हो गए और तेंदुए की तस्वीरें अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर ली। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।